स्वागत है आपका अपने चैनल ऑफिसर स्ट्रीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DU नॉन टीचिंग स्टाफ के पदों पर जो वैकेंसी आई थी दोस्तों, जिसका एग्जाम NTA के थ्रू होना है। तो इसका एडमिट कार्ड जो है वो आपका एडमिट कार्ड का डेट जारी कर दिया गया है और आपका एग्ज़ाम डेट जो है जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट जिनका पोस्ट कोड संख्या 103 था, और जूनियर इंजीनियर सिविल के पदों पर, और जूनियर इंजीनियर जिनका इलेक्ट्रिकल था। दोस्तों, ये पोस्ट संख्या लेबोरेटरी अटेंडेंट का 103, जूनियर इंजीनियर का 602, और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जिनका था उनका 603 यहाँ पोस्ट कोड था। तो दोस्तों, इनके लिए आपका जो है एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है, जो कि आपका एग्ज़ाम जो होगा 21 सितंबर 2021 को होना है। लेबोरेटरी अटेंडेंट का फर्स्ट शिफ्ट में होगा, और जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल दोनों का जो है सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है। और दोस्तों, लेबोरेटरी अटेंडेंट के पदों पर जो एग्ज़ाम होनी है वो सिर्फ कंप्यूटर अटेंडेंट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT होगा, और फर्स्ट शिफ्ट में होना है उस दिन। और देख सकते हैं जो जूनियर इंजीनियर JEE के पदों पर हैं उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव ये दोनों सेकेंड शिफ्ट में ही एक ही साथ किया जाएगा। दोस्तों, और बात करते हैं आगे कि एडमिट कार्ड आपका जो है कब से मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड जो है वो आप 14 सितंबर से डाउनलोड कर पाएंगे। 14 सितंबर से आप DU NTA की ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जिस दिन आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड शुरू होगा तो हम आपको ससमय अपडेट कर देंगे ताकि आप समय पर उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी इस वीडियो में जानकारी जो कि लेबोरेटरी अटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के संबंधित हमने बात की। तो अगले वीडियो में फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।